तो ज़्यादातर इसी का एनिमे उसके लाइट नॉवेल के ऊपर बनते हैं। ये बात तो मुझे बहुत टाइम से पता थी, लेकिन अभी तक मैंने किसी लाइट नॉवेल को पढ़ा नहीं था। लाइक मैं तो ठहरा भाई मांगा पढ़ने वाला बंदा, जिसको कि लाइट नॉवेल के अंदर क्या ही इंटरेस्ट आएगा। लेकिन ये बात अभी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, क्योंकि लास्ट 15 दिन से मैं टेंशुरा की लाइट नॉवेल को पढ़ रहा था, जिसका कि एनिमे के अंदर नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज ए स्लाइम। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बार एनिमे की सीजन 3 की मांगा पढ़ चुका था, इसलिए मुझे पता था कि भाई सीजन 3 के अंदर इतनी कोई बड़ी चीज होने नहीं वाली है। तो मैंने डिसाइड करा कि इसकी मांगा को फॉलो करते हैं, लेकिन बाद में जाके पता चला कि इसकी मांगा तो अभी तक पूरी हुई नहीं है। लाइक इस वाले एनिमे की जो मेन स्टोरी है वो उसके लाइट नॉवेल के ऊपर बन रही है। सबसे पहले इसके लाइट नॉवेल आई, बाद में जाके हमको मांगा एडाप्टेशन देखने को मिला। और अगर हम इसके मांगा और एनिमे के बीच में गैप देखे तो वो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसकी जो लाइट नॉवेल है वो कुछ ज्यादा आगे चल रही है। और अभी फिलहाल जो लाइट नॉवेल चल रही है उसकी स्टोरी अगर हमको एनिमेशन के अंदर देखनी है तो उसके लिए कम से कम 10-15 साल तो वेट ही करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी हमको सीजन 3 के अंदर एक ही मेजर चीज देखने को मिल सकती है, जो कि अपने रिमोरू का डंजन क्रिएशन, जिसके अंदर अभी तो नहीं लेकिन लास्ट में जाके काफी ज्यादा बड़ा बवाल होने वाला है, जहाँ पर अपने रिमोरू के टीम के अंदर और भी पावरफुल लोग जुड़ने वाले हैं। जब से एनिमे के अंदर डियाब्लो को इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब से डियाब्लो मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी यहाँ पर डियाब्लो सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि आगे चलकर नंबर 1 स्पॉट अपने जीजन ने ले लिया है। सबसे पहले जब रिमोरू ने इस वाले बंदे को रेस्क्यू करा था तब अपना जीजन बस एक बीटल था, लेकिन जब वॉल्यूम 10 के अंदर जीजन वेल्डोरा के साथ में ट्रेनिंग करता है तो उसके बाद में जीजन जो है वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और आगे चलकर जब एम्पायर डंजन के ऊपर अटैक करता है तो उसके बाद में जीजन जो है वो एकदम से किलिंग मशीन बन जाता है। यहाँ पर मैं ज्यादा स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता, लेकिन भाई ये कैरेक्टर ही ऐसा है। अभी अभी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर डंजन बनना शुरू हो चुका है, उसके बाद ही हमको आगे चल के अलग अलग फ्लोर के बॉस से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहेंगे, लेकिन जब एम्पायर के साथ में वॉर खत्म होगा उसके बाद में रिमरू वॉर के अंदर मिली हुई सोल्स की मदद से उन लोग को डीमन लॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लाइक रिमोरू के टीम के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं वो आगे चल के डीमन लॉर्ड के अंदर इवॉल्व हो जाते हैं। आगे चलकर आप एक टाइम के लिए ऐसा सोचने लग जाते हो कि भाई अभी रिमोरू की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिसके अंदर 7 प्राइमोडियल्स में से 4 लोग हो जाते हैं, जो कि रहते हैं ब्लैक, येलो, व्हाइट एंड पर्पल। यहाँ पर ब्लैक तो अपना डियाब्लो है, जो कि बाकी बचे हुए 3 प्राइमोडियल्स को इनवाइट करता है, और उनके साथ ही भाई 700 से ज्यादा डीमन्स की आर्मी भी रहती है। जहाँ पर रिमोरू को पता नहीं होता है कि ये जो 3 डीमन रहते हैं वो प्राइमोडियल्स रहते हैं, जिनको कि बिना जाने हुए रिमोरू नाम दे देता है, और उनके डीमन पीर के अंदर कन्वर्ट होने के बावजूद भी आगे चलकर हमको ऐसे एनिमीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो लोग इजीली किसी को भी हरा सकते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रेटर ड्रैगन रहते हैं, जिसके अंदर 2 वेल्डोरा की सिस्टर रहती है। और जब वेल्डोरा की सिस्टर वेल्डोरा को अपने साइड में करने के लिए उसको किडनैप कर लेती है, और उसके बाद में वेल्डोरा को बचाते हुए अपना रिमोरू जो है वो भी खुद एक ट्रू ड्रैगन के अंदर इवॉल्व हो जाता है। माना कि इसके पीछे अपने आयरिस का हाथ रहता है, जो कि राफाएल से इवॉल्व होकर आयरिस बन चुकी होती है। अगर यहाँ पर रिमोरू राफाएल को आयरिस नाम ही नहीं देता तो यहाँ पर भाई रिमोरू भी इवॉल्व नहीं हो पाता, और शायद से वो वेल्डोरा को बचा भी नहीं पाता। लेकिन ये सब चीजें एनिमे के अंदर होने के लिए अभी काफी ज्यादा टाइम बचा है, और वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने बीच में बहुत सारी चीजों को छोड़ भी दिया है। अगर आपको आगे चलकर सीजन 3 के बाद में क्या क्या चीजें होने वाली है इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो होपफुली गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो जाते जाते इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।